लगातार अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही अभियान चला रही है। इसी कड़ी में किशनगंज पुलिस ने भी थाना क्षेत्र में भाटखेड़ी तालाब के पास एक निर्माणाधीन मकान में बड़ी मात्रा में शराब की सूचना मिलने के बाद कार्यवाही करते हुए मौके से 51 पेटी देशी शराब जब्त की है। तो आरोपी मौके से भाग निकला। किशनगंज पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कर तलाश शुरू की है। इंदौर जिले के समीप किशनगंज पुलिस ने सूचना मिलने के बाद एक खेत में बन रहे निर्माणाधीन मकान पर छापामार कार्यवाही करते हुए देशी पेटी शराब की बड़ी मात्रा में जब्त। आरोपी द्वारा खेत में रखकर शराब का क्रय किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के जरिए पुलिस तक पहुंची थी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब को कहां खपाया जाने वाला था। तो पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। कार्रवाई करी है। आज रात में सूचना मिली थी कि भाटखेड़ी तालाब के पास एक खेत है, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें बड़ी मात्रा में देशी शराब की पेटियां रखी। सूचना की तस्दीक की गई और उसके बाद वहां जब रेड की गई तब वहां 51 पेटी टोटल देशी शराब मिली है। 47 पेटी सफ़ेद प्लेन मदिरा और 4 पेटी मदिरा मसाला की मिली है। पूरी शराब जब्त करके आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कितने अभी यह विवेचना का विषय है। अभी क्योंकि खेत में बने मकान में शराब मिली है, अभी इसमें रात में ही कार्रवाई हुई है, अभी इसमें विवेचना चल रही है। कितने लोग पकड़े हैं? अभी इसमें आरोपी फरार है और आरोपी की शिनाख्त की जा रही है।